राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज होली उत्सव है, सुबह के समय कुछ कदम ताल चलते हुए एक गीत मेरे मन में आया, जीवन चलने का नाम, चलते चलो सुबह शाम, ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, ये बादल छट जाएगा मित्रा। धर्म बहुत ही विवाद वाला विषय है। धर्म हमेशा आपको कुछ असूलों, कुछ बातों का अनुसरण करने के लिए बाधित करता है। असल में इंसान को कुछ बंधनों में बांधा गया है धर्म के द्वारा। तो जब हम धर्म का अनुसरण करते हैं तो उससे कुछ बदलाव हमारे जीवन में अवश्य ही आते हैं। तो धर्म का मुद्दा हमेशा ही एक ऐसा मुद्दा रहा है जो इंसान के मन पर, मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तो धर्म के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों का भी जुड़ना निश्चित था, जहाँ आपको रूह का सुकून, मन का सुकून मिल सके। तो उसके बाद कुछ जगह खोजी गई जहाँ पर देवीय शक्तियों का प्रभाव सबसे ज्यादा है। कुछ ऐसी चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने, साइंटिस्टों से, जिन्होंने इंसानी जिंदगी के पर काम किया, क्योंकि वह इस गहरे भेद को समझ चुके थे। कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ गवाकर यहां कुछ उस ईश्वर की बताए हुए मार्ग को बताकर हमारा मार्गदर्शन किया, जिससे कि हमारा ये सफर आसानी से गुजर जाए। तो ऐसी ही कुछ जगह जो धार्मिक थी, उनकी खोजें हुई, जहाँ पर हमें जाने से उस ईश्वर की प्राप्ति करने में बेहद ही सहजता व आसानी हो और हम खुद को पहचान सकें, खुद को समझ सकें कि हम हैं कौन आखिर। तो इन जब सभी चीजों को खोजा गया, देखा गया, हर चीज की तह में पहुंचा गया और उस परमात्मा की रचना को जब हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि लोगों ने पहचाना, समझा,
तो उन्होंने ये ज्ञान आम जन साधारण को बांटना शुरू किया। लेकिन हर किसी की बौद्धिक क्षमता का विकास उस हद तक नहीं हुआ होता कि वह हर चीज को, हर बात को बड़ी सहजता और आसानी से समझ सके। तो इतनी गहरी बातें लोगों की समझ में नहीं आई, तो लोगों ने इन बातों का इतना अनुसरण नहीं किया, अपनाया नहीं, क्योंकि जो पथ उन्होंने ढूंढा था ऋषि मुनियों ने, वह इस दुनिया के संबंधों से, रिश्ते नातों से, मोह बंधनों से तोड़ते थे। तो इन चीज़ों को खोजने में उनकी ज़िंदगी तक ज़ाया हो गई, यानी कि अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं खोजा। जो खोजा, जो अनुभव किया, वो लोगों में बांटने की कोशिश की कि हमारे जीवन का जो असली रास्ता है ना, वो राख ही है। मतलब आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी प्राप्त कर लो, तो उम्र की हदबंदियाँ जब हम पार करते हैं तो हमारी सोच का दायरा धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ इन मोह बंधनों से हमारा मोह तोड़ ही देता है। सारी उम्र हम अपने बच्चों पर, अपने रिश्तों पर ज़ाया करते हैं, धन दौलत कमाते हैं, लेकिन आखिर में जाकर जो समझ आती है तो पता लगता है कि हम तो व्यर्थ ही अपनी ज़िंदगी के इतने कीमती पल बर्बाद कर बैठे, जिस औलाद के लिए ज़िंदगी खपाई उसको तो पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया, फिर उसके मुंह में एक तड़प, एक मन में उदासी जो अंदर दिल के घर कर गई। तो यो जीवन हमने सारा खपाया था एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, अपनी संतान को, कि ज़िंदगी में सुख बढ़ जाएगा, ज़िंदगी में आराम बढ़ जाएगा, मेरे बच्चे अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। तो वो सपना तो सच हो गया। जो भौतिक वस्तुएं हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, वो तो उन्होंने हासिल कर ली, लेकिन उसके एवज में माँ बाप के सुख से वंचित हो गए। तो ये सब विदेश जाकर भी ये घटना घट जाती है, जब हम अपने संतान को विदेश भेज देते हैं, तो यहाँ पर भी कोई व्यापार की सेटलमेंट ऐसी कर देते हैं कि बच्चे या उन माँ बाप के लिए समय ही नहीं रहता एक दूसरे के पास। तो फिर वो जो संवेदनाएं, वह जो मन की गहराइयों के कष्ट हैं, वह निकल के सामने आते हैं। तो हमारे शास्त्रों में कुछ शब्दों का निर्माण किया गया और वह शब्द निचोड़ है। निचोड़ है जीवन के अनुभवों का, निचोड़ है जीवन के सत्य का। जैसे कि एक शब्द का अनुसरण किया जाता है बुजुर्गों द्वारा, अब तो वो बातें हमारी युवा पीढ़ी को तो कई बार समझ भी नहीं आती, तो हंसते हैं आजकल के जो युवा है, कई बार पुरानी बातों पर, पुराने लोगों पर
तो ये सुबह के समय कितना शहर भाग रहा है, हर समय एक आपाधापी, एक भाग दौड़ जीवन को बेहतर करने के लिए हर इंसान दौड़ लगा रहा है। तो मैं भी चलता जा रहा हूँ शरीर को बेहतर करने के लिए। तो वो शब्द क्या थे? वह शब्द थे, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो जिसने भी ये शब्द बोले होंगे उसने सपूत भी देखा, उसने कपूत भी देखा, फिर ये शब्द हमें दिए। तो हमारे लिए सिर्फ ये वाक्य है, सिर्फ एक बात है, लेकिन जिसने झेला है, जिसने देखा है, उसका पूरा जीवन है, और उसके बाद उसने सार निकाल के दे दिया। तो अभी एक बिल्ली भाग रही थी, उसके पीछे कुत्ते, बिल्ली जीत गई, कुत्ते हार गए। तो ऐसी ही स्थिति कुछ हमारे जीवन में राहु देव प्रकट करते हैं। केतु बहुत हारता है, केतु राहु से बहुत ज्यादा हारता है, और राहु की इस धरती पर केतु से ज्यादा जीतने की संभावना ही रहती है। राहु वो जाल है जिसे फिर केतु चूहा बन के ही काटता है। चलो खैर कहाँ निकल गए। तो ऐसी कुछ चीजें खोज कर जब हमें दी गई आम जिंदगी में लोगों के लिए, तो लोग ज्यादा गहरी बातों को, संसार से टूटने वाले मोह बंधन को इतने खुले हृदय से स्वीकार नहीं कर पाए। तो धर्म का निर्माण वहीं से शुरू हुआ। धर्म का असली अर्थ है धारण करना। धारण करना उन बातों को जिससे हमारा जीवन सुगम, आसान, सहज, सुखदायी, आनंदमय ही बन सके, ना कि जो ग्रंथों का निर्माण हमारे पूर्वजनों किया, सुबह के समय उसको बैठकर पढ़ते रहो तो लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा, शब्द पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उनका अनुसरण करने से सब कुछ होगा, जिसका मूल अर्थ धारण करना है। तो ऐसी धारणाओं का निर्माण हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषि मुनियों, हमारे साइंटिस्ट ब्राह्मणों ने किया, जिससे कि समाज को एक सही दिशा प्रदान की जा सके। क्योंकि जब तक आपके जीवन में धर्म नहीं होगा, आपका जीवन दिशाहीन होगा, कष्टों में फंसेगा। तो ऐसी धारणाएं। और प्रभु ठीक है? तो ऐसी धारणाएं, ऐसी मान्यताएं बनाई गई कि जिससे मनुष्य को अपनाने में किसी प्रकार का भी कष्ट ना हो। फिर मंदिरों का निर्माण हुआ, धर्म स्थलों का निर्माण हुआ, खाने पीने की वस्तुओं से हमारे जीवन में काम किया गया, कपड़े पहनने की जो नियम हैं, जो कायदे हैं, जो कानून हैं, वो बनाए गए, दिनचर्या के कुछ नियम, कुछ कायदे बनाए गए,
ग्रह निर्माण के कुछ कायदे कुछ कानून बनाए गए, बोलचाल के कुछ कायदे कुछ कानून बनाए गए। यानी कि जीवन के हर पहलू पर, जीवन के हर पहलू पर बड़ी गहनता से कार्य किया गया। तो इसमें हजारों साल खप गए मानवीय सभ्यता के। सनातन सभ्यता के फिर कुछ चीजें निकल के हमारे सामने आई, जिसे करने से इंसानी जिंदगी में कष्ट कम हो जाते थे। पर इन सभी चीजों का मूल आधार यानी कि अंत उस परमात्मा को पाना ही होता था। तो बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां जो इंसानी जिंदगी में रहती हैं, गृहस्थ आश्रम में जाना, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करना, अपने वंश को आगे बढ़ाना और उन जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाना, अपने बच्चों का विवाह करके फिर संन्यास की तरफ इंसान बढ़ता था, उस परमात्मा के रास्ते पर इंसान बढ़ता था और उसकी कायनात को, उसकी कुदरत को समझने की कोशिश और उस मूल में समाने की कोशिश की जाती थी। तो आज तो ये दूर की बातें हो गई। यहाँ ऐसी बातें किसी के साथ कर लो तो शायद शटडाउन ना करके चल जाए ये वीडियो भी। लेकिन आज की इस राहु की दुनिया में झूठी शोहरत, झूठी इज्जत, झूठे धर्म निकल के सामने आ चुके हैं, जो भटकाव के अलावा समाज को कुछ नहीं दे रहे। तो इंसान उन मान्यताओं से, उन रिचुअल से, उन धारणाओं से दूर होता चला गया। तो आज की स्थिति ये हो चुकी है, हमारी बौद्धिक क्षमता का स्तर विकास के दर्जे से तो बहुत ऊपर चला गया, लेकिन जीवन में से सुख की अनुभूति को खत्म कर गया। सुख की अनुभूति को खत्म कर गया। तो असली आधार हमारे जीवन का है क्या, मूल सिद्धांत हम क्या लेके आए थे, क्या लेकर जाएंगे, के ऊपर ही टिका है। तो इस राख की ढेरी में, इस माया जाल में हमारी छुट्टी नहीं होने वाली। कई लोग मोक्ष की तरफ भागते हैं, जब जीवन में चोटें पड़ती हैं, हालात अनुकूल नहीं दिखते, दुनिया की सच्चाई सामने आती है, तो उस समय एक जिंदगी खप चुकी होती है। तो ऐसी ही धारणाओं में से कुछ धारणाएं जो धर्म के दायरे में थी, हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए। देखिए, जो हमारी बुद्धि है ना, बुद्धि का ठीक होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पे सबसे ज़्यादा काम किया गया। लाल किताब में भी बोला गया कि बुद्ध सबसे शक्तिशाली ग्रह है, सर्वशक्तिमान। और बुद्ध को हमारे शरीर पर जब जगह दी गई, क्योंकि बुद्ध में दो ग्रहों का समावेश है, एक है बृहस्पति और एक है राहु, नीला और पीला रंग, इन दोनों को मिलने से फिर जाके बनता है बुद्ध। मनसुई में बताया गया है कि दो ग्रहों के निर्माण से, मिलाप से बुद्ध की उत्पत्ति हुई।
तो हमारे दिमाग के भी दो हिस्से हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो बुद्ध को हमारे शरीर में भी ये सिर का ढांचा, इसके अंदर दिमाग को बैठाया गया। तो एक बृहस्पति एक राहु। बृहस्पति ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया और राहु ने विनाश। अब राहु के एजेंट कौन थे कौन नहीं थे, ये बात की बातें। एक्चुअल में सभी कहते हैं कि शनि परले के देवता हैं। लेकिन शनि एक्चुअल में बहुत धीरे बहुत सब्र वाले ग्रह हैं। वो आपकी पूरी जिंदगी को वॉच करते हैं, देखते हैं, बड़ी गहनता के साथ हर चीज पर नजर रखी जाती है। तो कर्मों का जब पहाड़ खड़ा होता है तो फिर ड्यूटी शुरू होती है राहु और केतु की। तो राहु बुध के दायरे में घूमते हुए आपके सर पर चढ़ के बैठ गया, साथ में बृहस्पति बैठ गया। तो 42 साल के दायरे में राहु ने आपका दिमाग घुमा के रखा। आप इस दुनिया के जाल में ऐसे उलझे कि आपको पता ही खबर ही नहीं कहां से कहां चलते। आगे जब राहु का अरसा खत्म हुआ, केतु जगा, तो बृहस्पति की याद आई। लेकिन अब ना मांसपेशियों में वह जान थी, ना हड्डियों में वह जान थी, ना ही शरीर में वो जान थी कि हम अपनी उस गलतियों को सुधार कर कुछ वापस पा सकें। तो फिर वह बात निकल के सामने आई, अब पछताने से होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अपनी चिड़िया को खेत मत चुगने दो। धरती पर ऐसे लोग उस ब्रह्मांड से आते गए जिन्होंने समय समय पर आपका मार्गदर्शन किया। कुछ ना कुछ बातें जीवन के स्तर को अच्छा करने के लिए बताई गई। तो उसके बाद कहानी होती है शुरू आपकी। आपने अपनी कुंडली में किस ग्रह को ज़्यादा एक्टिवेट किया है, ठीक है, तो वैसा ही आपके जीवन का हाल बनने वाला है। हाल बनने वाला है। तो ये जो सिर का ढांचा है ना, यहाँ बृहस्पति और राहु दोनों बैठे हैं। तो आज के समय में राहु की एक्टिवेशन ज़्यादा है। लोग सोचते हैं कि आज का युग जो है वह साइंस का युग है, कोई शक नहीं है इसमें। साइंस सारी राहु के अधीन आती है। तो जीवन को सुगम और आसान बनाने के लिए जो भौतिक वस्तुओं का निर्माण हमारे दिमाग में बैठे हुए राहु ने किया, उसने जिंदगी को सुगम तो क्या बनाना था, परेशानियां बढ़ा दी। मोबाइल आए तो उनकी किरणें भी आ गई, जिसने पशु पक्षियों को भी मारा और मानव के शरीर पर भी बहुत बुरा प्रभाव डाला। तो ऐसी हजारों उदाहरणें। सोशल मीडिया आया, लोगों को गालियां देने का एक दूसरे को अधिकार मिल गया। तो जितनी कड़वाहट थी वह सारी निकल कर सोशल मीडिया पे आने लगी। कुछ अच्छी बातें भी मिली, ज्ञान भी बढ़ा और लोग दुनिया के हर कोने से निकल के बाहर आए। ज्ञान का विज्ञान का प्रसार हुआ। लेकिन जो मानव जीवन था उसका स्तर नीचे गिरता गया। वैल्यूज, रिश्ते, नाते, हमारी सोच का स्तर बहुत नीचे जाता जा रहा है। पुराने समय में क्या साइंस नहीं थी? हमारे धार्मिक ग्रंथ इस चीज़ों के गवाह है कि पुष्पक वाहन ब्रह्मास्त्र, जिसे हम परमाणु ऊर्जा का नाम दे सकते हैं,
तो पुष्पक वाहन जहाज हो गए। तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो दूरियां बताई गई पृथ्वी से ग्रहों की, या गैलेक्सी की जो कल्पना की गई, तो आज का विज्ञान भी वहीं पर पहुंच रहा है। तो ये प्यास ऐसी होनी चाहिए, तो आज का विज्ञान भी वहीं पहुंच रहा है और पहुंचकर एक बात कह रहा है कि जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साइंटिस्टों ने बता दी थी, तो उससे रत्ती भर भी, सुई भर भी आगे नहीं खिसक पाए वो लोग साइंटिस्ट। यानी कि मानव जीवन में आज से हजारों साल पहले उस स्तर पर विकास हो चुका था कि उससे बेहतर कुछ भी नहीं था। फिर उनको धारणाएं धर्म का रूप देकर, मान्यताओं का रूप देकर, खान पीन का रूप देकर, पहनने का रूप देकर, लोगों से आचरण करने का रूप देकर, बोलचाल के तरीकों का निर्माण कर दुनिया को दे दिया गया कि इस तरीके से अपना जीवन जियो, जिंदगी में कोई तकलीफ तुम्हारे नज़दीक नहीं आ पाएगी। यानी कि उन्होंने जो ब्रह्मास्त्र बनाए, जो पुष्पक वाहन बनाए, जो साइंस का विकास हुआ, उसको एक दायरे में सीमित रखा, कुछ हाथों में उसकी कमांड दी गई। और उसकी कमांड उसको दी जाती थी, पहले उसको गुरुकुल में भेजा जाता था, उसके दिमाग का बौद्धिक विकास किया जाता था, उसमें एक सब्र की भावना उत्पन्न की जाती थी, और जीवन में धैर्य जितनी देर तक उसके जीवन में धारण नहीं हो जाता था, उतनी देर तक वह विद्या उसको प्रदान नहीं की जाती थी उसके गुरुओं के द्वारा। क्योंकि इन विनाशकारी चीज़ों से हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज समझ चुके थे कि अगर विज्ञान को खुला छोड़ दिया तो ये विनाश के सिवा कुछ नहीं देगा। सिर्फ एक बुद्धि की ऐसी तरंग आएगी जो मानव जीवन को विनाश में धकेल देगी। तो ऐसी ही धारणाएं समय समय पर हमने देखने को मिली, जो युद्ध हुए, जो संग्राम हुए, जो लूटपूट की घटनाएं हुई, और अभी का ताज़ा उदाहरण रूस और यूक्रेन का युद्ध। तो ये दिमागी हरारत ही है, तो दिमागी एक अंधापन ही है जो आपको युद्ध में धकेल देता है, और हजारों जिंदगियां एक गड्ढा खोदकर ऐसे दबा दी जाती हैं कि जैसे कूड़े का ढेर हो। तो हमारे ऋषि मुनियों, हमारे पूर्वजों ने विज्ञान को दबाया, ज्ञान को बढ़ाया, क्योंकि ज़्यादा विज्ञान बढ़ना मतलब राहु का दायरा बढ़ना, और फिर हर चीज़ का विनाश तय है। तो ये देख भी रहे हैं अगर आपकी आँख आपको दिखा रही है, क्योंकि मेरे गुरुदेव, मेरे उस्ताद जी, मेरे भगवान, जिन्होंने मुझे पंच तत्वों का ज्ञान दिया, इंसानी जीवन को परखने की जो एक नज़र दी, उनका मैं ऋणी हूँ। कहने का मतलब उनका ये था कि आपकी जो आँख है ना, ये वही दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं। तो इसकी जो कमांड चलती है ये दिमाग से चलती है। अब आपने कौन सा ग्रह एक्टिव किया है ये निर्धारित होता है आपके खान पान से, क्योंकि आपका ब्लड, आपकी मांसपेशियां, आपकी कोशिकाएं, इन सभी चीजों का निर्माण होता है आपके खान पीन से। तो ज्यादा विकास ने पहले बृहस्पति को डाउन कर दिया, बिल्कुल डाउन कर दिया, इस धुएं ने हवा शुद्ध को खत्म कर दिया। तो फिर मानसिक स्तर राहु के दायरे में आने के बाद आज के समाज का हाल आपको मालूम है। तो इन सभी मान्यताओं में एक मान्यता थी इन चीज़ों को एक्टिव करने के लिए, जिसे जब तक लोग अपनाते रहे या अपना रहे हैं, कुछ हद तक उनके घर में सुकून है, शांति है। क्योंकि बृहस्पति कभी किससे लड़ नहीं पाता, बृहस्पति में वह शक्ति है ही नहीं कि वह किसी से युद्ध कर पाए। प्रोटीन की कमी, मांसपेशियों का ढीलापन, और एक तजुर्बेवान शरीर, तजुर्बेवान दिमाग,
कभी उलझनों में नहीं फंसता, कभी लड़ाई झगड़ों में नहीं फंसता, क्योंकि वो कहता है कि लाल किताब में पंडित जी के बृहस्पति जब राहु की अधिकता होगी तो चुप हो जाएगा मगर गुम ना होगा, यानी कि दिमाग में राहु की अधिकता जब चढ़ेगी तो बृहस्पति शांत हो जाएगा। लेकिन वो है, मिलेगा ही उसको जिसके बौद्धिक क्षमता में उसने बृहस्पति को एक्टिवेट किया होगा। तो एक बहुत बड़ा उपाय जो हिंदू सनातन सभ्यता में था, जिससे हमारा बुध ग्रह ठीक रहता था और राहु हमेशा कंट्रोल में रहता था, वह लॉजिक के समेत मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसको अगर आप अपने जीवन में अपना लोगे तो कभी भी आप यकीन मानिएगा, आपके जीवन में दिक्कत नहीं आएगी, आपके बच्चे या यहाँ तक कहूँ कि आपकी बुद्धि हमेशा सही डिसीजन लेगी, सही निर्णय लेगी और आपका जीवन बड़े बड़े कष्टों से बच जाएगा। क्योंकि हमेशा हमारे दिमाग के द्वारा ही हमें सुख की अनुभूति करवाई जाती है और दुख भी हमारे दिमाग की ही उपज है। तो अगर ये दिमाग सही है ना, तो कष्ट अपने आप आपके जीवन में उड़ जाएंगे। जरा सोच के देखिए, हमारे जीवन दिमाग में एक बात क्रोधती है तो यूक्रेन जैसे युद्ध हो जाते हैं, ईगो प्रॉब्लम आ जाती है और हम बड़े से बड़ा विनाश कर देते हैं। तो हमारे दिमाग में ही एक बिजली क्रोधती है कि हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और अपनियों का गलतियों का एहसास करते हैं और सही रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, फिर हमें जीवन का जो अनुभव होता है, जो सुख मिलता है, तो उसकी शब्दों में क्या वर्णन करूं। तो बात सारी इतनी सी है कि बुध में से ना हमने राहु को कंट्रोल करना है और बृहस्पति को बढ़ाना है, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड बुध का दायरा है और इसमें राहु और बृहस्पति की सारी खेल चल रहा है। बृहस्पति हमेशा सब्र से चलता है और राहु जल्दबाजी का नाम है, क्योंकि हम गलत काम करने के बाद ही पछताते हैं। राहु पहले तो तेज गाड़ी चलवा देगा, फिर जब एक्सीडेंट करवाएगा तो बंदा कहेगा, यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया था मैंने ऐसे गाड़ी चलाई, या मैंने फला फला गलती, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था मैंने कर दी। तो अब फिर पछताने से हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही जब धैर्य होता है, जैसा कि मैं अक्सर अपने बच्चों को कहता हूँ कि बेटा सड़क पे जाओगे तो गाड़ी कभी भी तेज़ी से मत चलाओ, जब मोड़ मुड़ना हो गाड़ी को रोको, साइड में आराम से देखो, दाएं बाएं सामने आगे पीछे, फिर गाड़ी मोड़ो। मेरे को बताओ, जब इतनी तुम में सहजता होगी, इतना धैर्य होगा, तो राहु कहाँ आएगा, नहीं आ सकता। हाँ, कई बार बेमौत भी लोग मारे जाते हैं, पीछे से आके गाड़ी चढ़ जाए, वो एक अलग बातें हैं, कर्मों का लेखा जोखा है, क्योंकि एक जिंदगी का सवाल तो है नहीं। प्रभु राम ने भी हनुमान जी को यही बताया था, जब वो अपना मनुष्य जीवन में अपना कर्म पूरा कर चुके थे तो बैकुंठ जब उन्होंने जाना था तो हनुमान जी ने उनके पाँव पकड़ लिए, उनको जाने नहीं दिया। तो राम जी ने बोला कि हनुमान जी, मतलब हनुमान जी के सामने एक मुंदरी सरयू नदी में फेंक दी और हनुमान जी नीचे जाते हैं तो कहते तो मुंदरी लेके आओ तो हम इकट्ठे ही चलेंगे। हनुमान जी मान रहे थे तो भगवान राम ने कहा कि कलयुग में आप ही देवता हो, आपने ही दुनिया को बचाना है, तो आप मेरे साथ नहीं चल सकते। लेकिन भक्त को भगवान से दूर कौन कर सकता है, तो उन्होंने लीला रची, मुंदरी सरयू नदी में फेंकी, हनुमान जी को लाने का आदेश दिया, तो प्रभु राम का आदेश वो टाल तो सकते नहीं थे। तो जब वो पानी में कूदे मुंदरियाँ लेने के लिए, तो नीचे जब पहुँचते हैं तो मुंदरियों का ढेर देखते हैं, अंगूठियों का लगा, तो वहाँ पर उनके ज्ञान चक्षु, उन्हें प्रभु राम की वाणी उनके मन में गूंजती है कि हनुमान, ये काल का चक्कर कभी ना रुका है ना रुकेगा, चाहे मोक्ष की प्राप्ति ही क्यों ना हो जाए, तो हजारों धरतियाँ हजारों पृथ्वियाँ ऐसी बन चुकी है, हजारों बार मैं अवतार ले चुका हूँ,
हजारों बार लाखों बार तुम अवतार ले चुके हो, तो ये क्रम इसी तरह से जारी है और जारी रहेगा। तो इस करके मोह बंधन में ना फंस के तुम अपने कर्म को प्रधान करो और कलयुग में लोगों की रक्षा करो। तो इतने में भगवान राम अपना देह त्याग कर, देह समेत ही चले जाते थे तो चले गए। तो कहने का मतलब, कई पृथ्वियां बनी, कई नष्ट हो गई, तो इंसानी जीवन का चक्र ऐसे ही चलता रहना है, कभी रुकना नहीं है ये। लेकिन अब इसको कितने अच्छे ढंग से हम जी सकते हैं, ये हमारे कर्म निर्धारित करते हैं, और कर्म की स्वतंत्रता हर शख्स को मिली है। तो एक महा उपाय जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें खोज कर दिया था, यानी कि बुद्ध के अंधकार को दूर करने वाला, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ना, अंतरिक्ष है, ये सारा बुद्ध का खालीपन है, बुद्ध का गोल दायरा, बुद्ध का खालीपन है, जहाँ पर बृहस्पति और राहु का खेल चल रहा है। बृहस्पति और राहु का खेल चल रहा है, तो यानी कि हमारी बुद्धि अब उस अंधेरे को, यानी कि राहु को, शनि को और एक खोखलेपन को, आमतौर में आपने लाल किताब में सुना होगा ना, जब बुध को सूर्य का साथ मिलता है तो बुध अच्छा हो जाता है और मंगल भी नेक हो जाता है। तो इसकी गहराई समझते हैं आप, बुध को जब सूर्य का प्रकाश मिलता है ना, बुध को जब सूर्य का साथ मिलता है तो वहां से राहु छट जाता है, बृहस्पति बच जाता है। क्योंकि जब हम किसी चीज के रिजल्ट को गहनता से जांच लेते हैं, अच्छे बुरे की भल परख कर लेते हैं, तो हमारे जिंदगी में धोखा खाने के, खता खाने के चांसेस घट जाते हैं। अगर आपको मालूम हो जाए, यानी कि अगर किसी शख्स को आज वो अपनी जवानी में बुरे ढंग से जिंदगी जी रहा है और उसको सीधा उसकी 60 साल की उम्र में ले जाकर खड़ा कर दिया जाए कि तेरी ये हालत होने वाली है अगर तू ऐसी जिंदगी जिएगा, तो क्या वह एक बेढंगी जिंदगी जी पाएगा? अगर उसको नजर आ रहा हो बेटा तेरा खान पान ये है और ये तेरी 60 साल की उम्र है, तेरे कैंसर की बीमारी तेरे को हो जाएगी और तू तड़प तड़प के कीड़े पर के मरेगा, तो क्या वो इंसान फिर खान पान गलत कर पाएगा? यानी कि टाइम मशीन, ये टाइम मशीन हमारे बुजुर्गों ने हमें दी थी, अपने एक्सपीरियंस, अपने ज्ञान को टाइम मशीन में ही उन्होंने कैद कर दिया था, लेकिन हम छोड़ते चले गए। नो, तो कहने का मतलब, जब हमारी बुद्धि को ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, यानी कि उसमें से बैड राहु हट जाता है, गुड राहु बच जाता है और बृहस्पति की प्रधानता हो जाती है ज्ञान में, तो इसीलिए ज्ञान लाल किताब के जो ग्रहों का क्रम है ना, बृहस्पति को सबसे ऊपर जगह दी गई सिक्वेंस में, और दुनिया का मार्गदर्शन बृहस्पति, जो कि ऋषि मुनि पंडित थे, उन्होंने किया। ज्ञानवान लोगों, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग, इन्होंने हमें हमेशा गाइड किया। तो अब बृहस्पति को बचाना है, बचाएंगे कैसे? उसके लिए ना, शाम के समय 4 बजे के बाद, सूर्य डूबने से पहले माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे अगर हम ज्योत जगाते हैं, एक ज्योत अंतरिक्ष में जग रही है, सूर्य है वो, तो उससे ही ऊर्जा लेकर सारी दुनिया चल रही है, और पंचम घर ज्ञान का है और सूर्य ज्ञान का ग्रह है। तो ये सूर्य की बात करते करते ये निकली है, किधर गया झंडा हमारे सामने आ गया, तो ये कंपनी बाग चौक, ठीक है। तो ज्ञान से ही हमारे जिंदगी को सही ढंग से चलाने का प्रकाश हमें मिलता है, और जब बुद्धि को सूर्य का साथ मिलता है तो उसमें से राहु हटता है, फिर हमारे निर्णय लेने की क्षमता और हमारे में वो सयानों जैसी अकल आ जाती है। तो इसीलिए ना,
जिसका भी बृहस्पति लगन में बोला जाता है कि उसके बारे में बोला जाता है कि ये शख्स बहुत ज़्यादा समझदार है, क्योंकि उनको दूसरों के मुकाबले ज़िंदगी का ज्ञान अच्छा होता है। या यूँ कहूँ कि जिसका बृहस्पति कुंडली में अच्छा होता है ना, तो अच्छे बुरे की परख उसको अच्छे से होती है और दूसरों के मुकाबले ज़िंदगी का ज्ञान बेहतर होता है। क्योंकि एक बस से ही नेचुरली बृहस्पति जिसका अच्छा होगा वह गलत रास्ते पर कभी जाएगा ही नहीं, पर जिसका राहु खराब होगा तो उसके तो फिर बल्ले बल्ले है। तो ये सिर्फ जोत की कहानी कि माँ दुर्गा के आगे आप अगर जोत जगाते हैं तो आपका कभी बृहस्पति ग्रह खराब नहीं हो सकता। तो कई विद्वानों ने इसको बात को काट दिया। तो ये एक समय की अवधारणा है, ये समय का काल चाल चक्र ही होगा कि जो राहु ने इन चीज़ों से लोगों को दूर कर दिया, क्योंकि बुद्धि का प्रकाश सूर्य को हमारे जीवन से हटाया गया। तो फिर राहु की कहानी कैसे शुरू हो पाती अगर बुद्धि भ्रष्ट ना होती तो समाज की, कि ज्योत मत जगाओ। कई ज्योतिषियों ने ये बोलना शुरू कर दिया, कई धर्म ऐसे उत्पन्न हुए जिन्होंने सनातन सभ्यता को काटना शुरू कर दिया कि सब ढकोसले हैं। कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, पृथ्वी ऐसे ही चलती आई है हजारों सालों से, लाखों करोड़ों सालों से ऐसे ही चलती रहनी है। तो अंत में जब दुनिया में कुछ नहीं था तो शिव थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव होगा। तो आखिर में वो जो अकेलापन है वो शिव की तरफ लेके जाता है और ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में होता है, फिर हम समझते हैं। लेकिन एक आध जन्म, एक आध उम्र तब तक हम गवा चुके होते हैं। तो अगर आपको मेरी इतनी लंबी कथा कहानी समझ आई तो इसे अपने जीवन में अपनाइएगा। किसी भी ज्योतिषी के कहने पर ज्योत जलानी माँ दुर्गा के आगे कभी बंद मत करिएगा। आपको मैं जाते जाते लॉजिक के सहित बात बता के जा रहा हूँ। एक हमारा होता है सजीव वस्तु, एक हमारे जीवन में होती है निर्जीव वस्तु। तो ज्योत को जगाने से कभी भी आपके शुक्र पर बैड इफेक्ट नहीं आएगा। हम हानि अपनी निर्जीव वस्तु देसी घी की कर रहे हैं तो आपकी औरत पे कभी भी बैड इफेक्ट नहीं आएंगे। यह उनका सूचना जो कहते हैं कि ज्योत जगाने से औरत की सेहत खराब हो जाती है, घर में समृद्धि उड़ जाती है, तो ये गलत है। अपने बौद्धिक विकास से सोचिए, आप अपनी निर्जीव वस्तु का हानि कर रहे हैं। अगर एक दिमाग में भ्रम पल जाता है कि मैंने ज्योत जगाई और मुझे तकलीफ आ रही है, तो आपकी उस समय ग्रह चाल खराब होगी। कुंडली में अपना शुक्र निकाल के देख लीजिएगा उस समय उसकी क्या हालत है, वर्षफल में, गोचर में या उम्र के दायरे में। तो ज्योत जलानी कभी भी बंद मत करिएगा, क्योंकि राहु के अंधेरे को हटाना बेहद ज़रूरी है सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो असुरों से युद्ध भगवान श्री हरि, जो कि सूर्य भगवान के ही अवतार थे, सूर्यवंशी या विष्णु जी, ये सब सूर्य से संबंधित हैं। तो इन्होंने हमेशा ही असुरों का, बुरी शक्तियों का नाश किया है। उदाहरण हमारे धार्मिक ग्रंथों में भरे पड़े हैं। तो राहु के अंधकार को यही ग्रह दूर करते हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव जितना आप प्रबल करेंगे और माँ दुर्गा के आगे ज्योत जगाएंगे तो आपका बृहस्पति अच्छा होना शुरू हो जाएगा और राहु का अंधेरा छटना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपको मिलेगा उसका अनुभव, उसका सुख ही कुछ और होगा। करके देखिए, किसी के बात में नहीं आना कि शुक्र और सूर्य की युति है, ज्योत जगाओगे तो तुम्हारी औरत खराब हो जाएगी। अरे मूर्खो, जो ब्रह्मांड में ज्योत जग रही है उसको कैसे बुझाओगे? वहाँ अगर कुंडली में इकट्ठा ही सूर्य शुक्र आ गया तो कैसे खत्म कर दोगे उसके प्रभाव को? तुम इतने बड़े हो, उसके और बड़े तरीके बताए गए हैं। उसमें ये नहीं बताया गया कि ज्योत मत जगाओ तो तुम्हारा शुक्र खराब हो जाएगा, नहीं तो। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा, ज्योत जगानी नहीं छोड़नी। ज्योत अगर आप जगाते रहेंगे तो आप एक करिश्मा
एक जादू अपने जीवन में जगाएंगे या देखेंगे, अनुभव करेंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे। माँ दुर्गा के सामने शाम के 4 बजे जोत जगाओ, 4 बजे के बाद सूर्यास्त से पहले। तो कल ना मैं एक मूवी देख के आया, कश्मीर फाइल्स। उसमें एक किरदार था, उसको आखिर में जब सच्चाई का पता लगता है, पहले वो साथ दे रहा होता है मुस्लिमों का, जो इस देश को बांटने की बात कश्मीर के थ्रू कर रहे होते हैं। तो जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है तो वो स्टेज पर जाके यूथ के बीच में अपनी बातें जब बताना शुरू करता है लोगों को, तो एक लड़की उठ के वहाँ बोलती है कि ज्ञान को मत पेलो, मतलब राहु की अधिकता बृहस्पति को सुनना ही नहीं चाहता। राहु प्रधान व्यक्ति बृहस्पति को सुनना ही नहीं चाहता, बस अपने दिमाग की उपज को ही सब पर थोपना चाहता है, फिर जीवन के थपेड़े चपेड़े खाकर उसको अकल आती है। तो मैं ज्ञान को पेलूंगा नहीं। अगर आप इस वीडियो के आखिर तक पहुंच गए तो शायद आपको कुछ प्राप्त हो जाए, नहीं तो जय ब्रह्मदेव, उनका समय शुरू होने वाला है, सूर्य का प्रकाश पीछे आ रहा है। तो ये बात मुझे जो ड्यूटी मिली थी आज आप तक पहुंचाने की ब्रह्मदेव के द्वारा, सुबह के समय सूर्यदेव की हाजिरी होने वाली है। देखिए, अंधेरे से चले थे और प्रकाश की तरफ पहुंच गए। तो ये केतु का जो दायरा ख़त्म होने पर है और बृहस्पति का शुरू होने पर है सुबह का समय, तो आपके लिए कुछ छोड़े जा रहा हूँ। अगर समझ आ गई तो भी अच्छा, नहीं समझ आई तो अभी कुछ समय है, समझ जाएंगे। तो इतना ज्ञान पेलने के लिए, और आपकी सहन शक्ति का मैं आदर करता हूँ, आपने मुझे इतनी देर तक सुना, तो ईश्वर आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, आपका जीवन सुखमय बनाए। तो अंतिम यात्रा, अंतिम में जो मेरी यात्रा है यहाँ पर समाप्त हो रही है। ऐसी आशा करता हूँ कि आपके लिए कुछ मैंने छोड़ा होगा, जो मुझे इस सृष्टि ने, इस कुदरत ने बताया और समझाया, और आपके वो काम आएगा। इसी मंगल कामना के साथ आपकी धन्यवाद। राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे, और इस प्रकाश की किरणों के साथ, जैसे कि ये अंधेरा केतु और बृहस्पति मिलकर इस धरती पर दूर कर रहे हैं, और सूर्य, केतु बृहस्पति और सूर्य मिलकर आपका ये अंधेरा दूर कर रहे हैं, तो आपको एक बात याद होगी, कहते हैं केतु लगन में हो तो सूर्य उच्च का हो जाता है, सूर्य उच्च मतलब ज्ञान उच्च। तो ये बात सुबह आपको बताई गई, तो केतु लगन में ले आया हूँ, सूर्य पीछे आ रहे हैं, बृहस्पति का ज्ञान आपके आगे पेल रहा हूँ, तो इसको उठा लीजिए, शायद आपके कुछ काम आ जाए। तो राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी, फिर मिलते हैं ज्ञान पेलने के लिए।